हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे खाद के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो आपका गार्डन को और खूबसूरत बनाएगा। हर घर में तो किचन वेस्ट निकलता है, वो किचन वेस्ट को कैसे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनने में 2-3 महीना लग जाता है, इससे ज़्यादा टाइम भी लेता है, पर इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है और प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये किचन वेस्ट से मैं कैसे खाद बनाती हूँ ये आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पहले मैं वेजिटेबल्स को छिलकर, जो छिलका निकला है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दिया है, और घर में जो पेपर का टुकड़ा और कार्डबोर्ड का टुकड़ा सब निकलता है उसको भी मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है। इसके बाद मैंने पेपर का टुकड़ा को एक बोरे में डाल दी हूँ। इसके ऊपर एक लेयर वेजिटेबल का वेस्ट और उसके ऊपर मिट्टी का लेयर, ऐसे करके लेयर लेयर करके बोरे में पूरा डाल दी हूँ। आप भी ऐसे लेयर करके डाल सकते हैं। आप चाहें तो ड्रम या पुराना बकेट आपके पास है तो इसी में आप कंपोस्ट बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसीलिए मैं बोरे में बनाती हूँ। इसी तरह मैं लेयर लेयर करके पूरा बोरे को फुल कर देती हूँ। फिर जब फुल हो जाए पूरा मिट्टी से कवर कर लेती हूँ और शेडी प्लेस में रख देती हूँ, और बीच बीच में उसके ऊपर पानी छिड़कती रहती हूँ क्योंकि वो हमेशा मॉइस्चर रहे और जल्दी से डीकम्पोज हो जाए। इसी तरह बोरे जब फुल हो जाता है उसी को मैं 2-3 महीने के लिए छोड़ देती हूँ, और ये जब रेडी हो जाता है फिर प्लांट्स में यूज करती हूँ, मिट्टी में मिला के प्लांट्स में यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी घर में किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं बिना खर्च किए। मैं किचन वेस्ट से जैसे कंपोस्ट बनाती हूँ, आप लोग भी उसे नहीं फेंककर कंपोस्ट बना सकते हैं और उसे आपका गार्डन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें।